हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक अंकित राणा में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड किस तरह से बनाएं। कम से कम भी 5 या 6 फिट का ट्राइपॉड आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। कम से कम भी 5 फिट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और उस ट्राईपोड को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत चाहिए, मैं वो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत आज पड़ने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पीवीसी का पाइप है जिसकी लेंथ मैंने करीब करीब 3.5 फिट ली है, ठीक है ना। और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये पीवीसी का पाइप है जिसकी लेंथ मैंने करीब करीब 3.5 फिट ली है, ठीक है ना। और ये एक हमारे पास लकड़ी है, आप कोई भी लकड़ी ले सकते हो। आपको लकड़ी ऐसी लेनी है जो कि इस पीवीसी पाइप में जा सके, ठीक है ना। ना ही तो ज़्यादा ढीली हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। ढीली भी हो तो कोई बात नहीं है, ढीली चल सकती है एक बार को, ठीक है। और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एमसील। एमसील को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, जो हमें लोहा चिपकाने के यूज़ में आती है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 बोतल के कैप लेने हैं आपको, इस तरह के 2 बोतल के कैप लेने हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं स्क्रीन को थोड़ा इस तरह मोड़ लेता हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ रबर बैंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और हमें चाहिए 2 बोल्ट, एक तो हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, कम से कम 2 इंच का बोल्ट चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। और एक हमें कम से कम चाहिए 1 इंच या 1.5 इंच का आपको बोल्ट ले लेना है, ठीक है ना। और आपको चाहिए ये 2 छोटे छोटे बोल्ट, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 छोटे छोटे बोल्ट इस तरह के, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ट्रैक्टर जा रहा है पास से ही होके। और मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको 2 तो लेने इस तरह के पीस, बराबर के भी काट सकते हो या आप छोटा बड़ा भी काट सकते हो। तो ये एक छोटा, ये सॉरी एक बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है और कहाँ यूज़ है। और आपको यहाँ पर, ये आप देख रहे हो ना, 2 पीस काट लेने हैं आपको, और इस साइज़ में आपको काट लेने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इसको आधा पार्ट जो है इसका काटा हुआ है। और यहाँ पर आपको 2 होल कर लेने, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और आपको यहाँ पर इससे काट लेना थोड़ा सा, मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, मैंने अभी इसको काटा नहीं है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर जो जिधर की साइड आप काटोगे ना, उधर आपको एक होल कर लेना है इसमें, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट में आपको होल नहीं, होल करना है यहाँ एक पीछे छोटा सा होल, ठीक है ना, इसके जो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके बिल्कुल पीछे, ठीक है ना, बैक वाले पार्ट में यहाँ पर नीचे एक होल कर लेना, जिसमें कि हम इन दोनों पेज को लगाएंगे। ये जो 2 छोटे छोटे पेज थे ना, एक को इसमें और एक को इस वाले होल में हम लगाएंगे। और यहाँ पर चाहिए आपको कोई भी पेंट का जो डिब्बा हो, पड़ा हो आपके घर में, वो चाहिए। तो अब मैं आपको इसकी मेकिंग बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसे काट करके बता देता हूँ कि आपको इसे किस तरह से काटना है। जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ से बीच में से काटना है, तो उसको किस तरह से काटना है मैं वो बता देता हूँ। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे और एकदम प्रोफेशनल बनाएंगे। हम किधर भी घुमा सकते हैं, साइड में भी, ऊपर नीचे भी, किधर भी आप हमें इसे घुमा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें इस तरह से काट लेना है, ये आप देख सकते हो कि ये इसको आपको बीच में से यहाँ से काट लेना है, इन होल्स को बचा करके, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हो ये 2 होल हैं, इनको बचा करके आपको इसे हीट करना है थोड़ा सा। मैंने इसे मोमबत्ती पे हीट किया है, और हीट करके आप जब इसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करोगे ना बाहर की तरफ, तो ये मुड़ जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको इसी का वर्क, कि हम जो अपने मोबाइल लगाने का स्टैंड किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो आप ये देख रहे हो ना, दोनों पीस थे, हमें इनको इस तरह से, ये देखिए आप किस तरह से हमें लगाना, इनको इस तरह से पीस जो है ना, ये इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और अंदर की तरफ प्रेस कर देना है इसे, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, हमने जब इन्हें प्रेस कर दिया अंदर की तरफ, तो ये छोटा वाला पार्ट को मैं बाहर पीछे ले लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है पार्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए, बिल्कुल साइज़ में ही आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं दिख रहे। तो इसमें इसे हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरह, हम इसमें DSLR भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और जो मोबाइल होता है ना, उसको हम इसमें बिल्कुल खड़ा करके लगा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से,
हम इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी कितनी कितना गैप बच रहा है। अब हम इन बोल्ट्स का क्या करेंगे कि हमने जो ये होल किए ना, इन होल्स में हम इन्हें लगा देंगे। ये वाले जो पीछे होल है ना, इनमें हम इन्हें फ्रेंड्स अभी ये जो हमने यहाँ पर बोल्ट लगा लिए हैं, ये इसमें फिक्स नहीं आ रहा था, तो मैंने मोमबत्ती से इसको हीट कर लिया थोड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा काला सा हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी साइज़ के आप बोल्ट लो, इतना इसमें होल कर लेना। तो अब ये थोड़ा लूज़ आ रहा है, तो मैं इस पर क्या करूँगा कि मैं इधर अंदर की साइड इस पर एम सील लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला तो हमारा एकदम फिक्स आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो फिक्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एम सील लगा दूंगा इधर अंदर की तरफ। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं अंदर की तरफ एम सील लगा दूंगा। तो अभी मैं पहले एम सील लगाता हूँ, फिर मैं आप से एम सील है 10 रुपये की आती है, इसके अंदर इस तरह की दो पैकेट निकलते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम फाड़ेंगे और मिक्स कर लेंगे आपस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसमें एम सील लगा ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम सील इसमें मैंने लगा ली है, और ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए। अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा छोटा वाला पीस है ना, ये आप देख सकते हैं छोटा वाला पीस, अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, जो कि ये हमारा यहाँ पर फिक्स आ जाए, ठीक है ना, इस तरह से, जिससे कि हम इसको इस तरह से आगे और पीछे इसे हम रोटेट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए हम इस बोल्ट का यूज़ करने वाले हैं, ये वाला जो बोल्ट है इसका हम यूज़ करने वाले हैं। हम इसे किस तरह से लगाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम जो हमारा फ़ोन लगाने का स्टैंड है ना, पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे, और जो नीचे का पार्ट होता है ना उसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर लगा लिया है, यहाँ पर मैंने एक वार्सल लगा लिया और यहाँ पर एक बड़ा बोल्ट लगा लिया है, इससे बड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको अब देख सकते हैं आप ये इस तरह से आगे और पीछे मुड़ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम इसे जो हम स्टैंड बनाएंगे ना, उसमें हम इसे इस तरह से लगाएंगे, फिर हम इसे आगे भी मोड़ सकते हैं और पीछे भी। आपको इस बोल्ट को इतना टाइट कर लेना है जिससे कि ये आसानी से घूम सके, आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है जिससे कि ये टूट जाए, आपको इतना टाइट नहीं करना है कि ये टूट जाए, आपको थोड़ा ही टाइट करना है जिससे कि ये आराम से लग जाए। तो मैं अब आपको इसके नीचे का पार्ट बताता हूँ कि अब हम उसे किस तरह से बनाएंगे। क्या ये जो हमारे दो बोतल के कैप थे ना, अभी इनमें हमें एक होल करना है छोटा सा, जिसमें कि हम ये जो बोल्ट है ना इसको डाल सकें, दोनों कैप में हमें डालना है, जिससे कि हम एक को तो नीचे लगाएंगे, ठीक है ना, एक को तो हम नीचे जो स्टैंड बनाएंगे उस पर लगा देंगे, और जो दूसरा वाला है ना कैप, उसको हम जो इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे, और जब फिर हम इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं दोनों साइड। तो मैं इसमें पहले होल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इन दोनों जो ये कैप थे इनमें मैंने होल कर लिया है, और मैंने इसमें से ये इस तरह से लगा दिया एक में से, ठीक है ना। और आपको दूसरे कैप का क्या करना है कि आपको इस तरह से इसमें पहले, सबसे पहले आपको इस तरह से नहीं डालना है, आपको एक इसका जो ये होता है ना स्क्रू होता है, इसको आपको लेना है और थोड़ा सा इतना डाल देना है आपको, ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हैं आपको इतना डाल देना है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आपको कैप को लेना है और कैप को आपको इसमें डाल देना है जिससे कि ये घूम सकता है, ठीक है ना। फिर आपको ये वाला एक छोटा नट लेना है और उसको इस तरह से डाल देना, और फिर इसको प्लास से कस देना, या फिर आपके पास जो भी चाबी हो कसने के लिए उससे कस देना। तो मैं इसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लगा लिया, ठीक है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर अंदर मैंने एक छोटा सा नट लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन दोनों के जो ये जॉइंट है ना, यहाँ इस नट के पीछे और यहाँ पर ये जो हमने कैप लगाया, यहाँ पर मैं एम सील का यूज़ करूँगा, जिससे कि ऊपर वाला ही कैप घूमे ये नट, और जो ये यहाँ पर है ना, यहाँ से ये ना घूमे, ठीक है ना। तो मैं लगा देता हूँ, और फिर मैं आपको पाइप में इसे जॉइंट करके दिखाऊंगा कि फिर हमें इसे पाइप में किस तरह से जॉइंट करना है, और फिर हमारा जो ट्राइपॉड है वो लगभग तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये जो है, मैंने यहाँ पर एम सील लगा लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एम सील लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा जो पाइप का जो दूसरा छोटा टुकड़ा था ना, एक तो हमने उसमें लगा दिया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जो हमें नीचे लगाना है उसमें हमने लगा लिया, और दूसरा वाला पॉइंट हम इसे इसे अब इसमें लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर हम इस तरह से इसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं एम सील का यूज़ ही करने वाला हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको करना क्या है। इस यहाँ पर आपको जो हमने ये स्टैंड बनाया था ना, वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, वो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस वाले स्टैंड को हम इस तरह से लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमने ये तो हो गया हमारा जो हम
मोबाइल लगाएंगे वो वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है ये वाला जो पार्ट लेना है ना आपको वो लेना है जहाँ से हम पाइप को जॉइंट करते हैं, यहाँ पर मतलब चौड़ा होता है ना, यहाँ पतला होता है, फिर यहाँ से आपको चौड़ा थोड़ा सा एंड पार्ट में मिल जाता है। तो आपको इस तरह से इसे लेना है और जब हम इसे इस तरह से टाइट करके लगा लेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। ये है, आप देख सकते हो, इसे हम आगे पीछे मोड़ सकते हैं, इसे तो मोड़ सकते हैं। फिर हम जब इसमें इसे लगा लेंगे ना फिर हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं, किधर भी घुमा करके हम इसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एम सील जल्दी जल्दी से, हाँ एम सील लगा ले, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया था, जो हमारा ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ना हमको इसे ही इसमें कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो पीस बचा हुआ है ना उसको हमें यहाँ पर लगाना है इस तरह से, इस तरह से हमें इस यहाँ पर एक हैंडल निकालना है जिससे कि हम इसे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इस तरह से ये लगकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट में जो हमने हमारे पास वो लकड़ी है ना, वो आप लकड़ी देख सकते हो वहाँ पर, तो हम उस वाली लकड़ी का यूज़ करेंगे अब यहाँ पर इसमें इसमें नीचे लगाने के लिए। तो मैं उसे भी जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे की जो स्टोरी सी है बता देता हूँ। स्टोरी तो नहीं है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही सक्सेस एक्सपेरिमेंट है जो कि 101% वर्क करेगा। और मैं आगे भी अपनी वीडियो जो शूट करने वाला हूँ अब मैं इसी से वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो हमने एम सील लगाई है उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो कुछ टाइम लेगी वो, 10-15 मिनट लेगी कम से कम, जब तक वो सूखती है। तो मैं इस डब्बे में मिट्टी भरने के लिए जा रहा हूँ। पाइप दिख रहा है, इस पाइप को इस तरह से इसमें लगा फिक्स कर लेंगे और मिट्टी भर के इसको जब टाइट कर देंगे इन चारों तरफ से तो हमारा ये स्टैंड्स, मैं इसमें मिट्टी भर लाया हूँ और मैं अब इसे इसमें लगा देता हूँ। फिर बाद में हम यहाँ ऊपर ये चौड़ा वाला पार्ट है ना इसमें हम उस जो जो हमारी लकड़ी थी ना उसको लगाएंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊँगा फिर आगे आपको करना क्या है। तो मैं जल्दी से इसमें लगा लेता हूँ इसको, ठीक है ना, स्टैंड बना लेता हूँ इसका। तो इस तरह से अभी मैं इसमें थोड़ी सी और मिट्टी भरूंगा और फिर मैं चारों तरफ से इसे ठोक दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो फिर भी आप देख सकते हो कि यार इसका बैलेंस एकदम, यहाँ मैं आपको दूर रख के बता देता हूँ, इसका बैलेंस एकदम बढ़िया बन रहा है। और जब ये ठुक जाएगा ना, मिट्टी इसमें ठुक जाएगी तो ये और भी बढ़िया से इसका बैलेंस बनने लगेगा और ये कहीं भी गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें वजन है नीचे और मिट्टी भरी हुई है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें मिट्टी को ठोक लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें मैंने इस यहाँ पर ठोक लिया है। अब देखिए ये किधर हिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको आपको रख करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से, देखिए यूं ही आराम से रख गया है, थोड़ा आपको इस वजह से टेढ़ा लग रहा है क्योंकि ये टेढ़ी जगह पर रखा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही जगह पर रखा है और देखिए कितना अच्छी तरह से रख गया है, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं हिलेगा फ्रेंड्स। और इसके ऊपर जब वजन आएगा ना ये तब भी नहीं हिलेगा क्योंकि इसके जो नीचे है ना यहाँ पर ये वजन लगा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि अभी सूखी है या नहीं सूखी है हमारी ये लकड़ी। तो फ्रेंड्स यार अभी ये सूखी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे ये लकड़ी लगा दी है, यहाँ पर मैंने थोड़ा टेप लगा दिया है जिससे कि ये थोड़ी सही से लगी रहे, ठीक है ना। और हम करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ अभी से। तो अभी ये थोड़ा गीला है, अभी ये सूखा नहीं है। अभी यहाँ पर अभी हमें इसमें एक वर्क और रह गया है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से लगाएंगे जिससे कि हम इसे रोटेट कर सकते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसे किस तरह से लगाना है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा गीला है इस वजह से मैंने यहाँ से इसे पकड़ा हुआ, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से इसे देखिए, ये यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है और ये आगे और पीछे रोटेट हो जाएगा, बट अभी इसकी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये गीली है यहाँ पर। और जब ये सूख जाएगी ना तो एकदम इस तरह की हो जाएगी, बिल्कुल स्टोन टाइप, मतलब बिल्कुल स्टोन ही बन जाएगी, मतलब कि पत्थर बन जाएगी, ठीक है ना। और फिर ये किधर भी नहीं हिलेगी। तो अभी हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो मैंने ट्राईपॉड बनाया मैं इससे ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ और ये बिल्कुल मेरे सामने मुंह पे, बिल्कुल इसका जो स्क्रीन है ना, जो कैमरे का जो लेंस है वो भी मेरे चेहरे पर आ रहा है। अब मैं देखिए इसको मैं और बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरे सिर पर ये पहुँच चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से निकाल करके कि किस तरह से हमने ये जो ट्राइपॉड है इसको हमने बनाया है। तो मैं फ़ोन को थोड़ा निकाल लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये ट्राइपॉड बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसे घुमा करके भी दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से जो है ये यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से आप किधर भी इसे रोटेट कर सकते हो, फ़ोन को इसमें लगा करके, और आप इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो हमने लकड़ी लगाई थी ना, इसको हम नीचे करेंगे तो ये नीचा हो जाएगा, जो हमारा ट्राईपोड है ना ये नीचा हो जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर निकाल लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। कम से कम भी 6 फीट का ये ट्राईपोड बन के तैयार हो चुका है। ये 3.5 फीट का पाइप लिया था PVC, मैंने आपको बता दिया। और नीचे जो है ये डब्बा है जिसमें हमने मिट्टी भरी हुई है, जिससे कि हम जो ये है ना ट्राईपोड, हमने अब ये कहीं भी गिरेगा नहीं, ये इधर किधर के इधर भी इधर को कहीं। और मैंने इसमें यहाँ पर एक रबर बैंड लगा लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पर रबर बैंड आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो है ये रबर बैंड, इससे क्या होगा कि जो हम मोबाइल लगाएंगे ना वो इसमें एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं भी मोबाइल जो होगा हमारा गिरेगा नहीं, ठीक है। और हम इस ये जो हमारा ट्राईपोड है ना, इसको हम आगे की तरफ भी मोड़ सकते हैं और पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको कोई नीचे की वीडियो शूट करनी है तो आप इस तरह से मोड़ लीजिए, ये आप देख सकते हो, इस तरह से मोड़ लीजिए और नीचे की वीडियो को आप इससे शूट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ नई ट्रिक या फिर नई कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊँगा।